बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाईजान, आज की वीडियो हम बना रहे हैं, इसमें हम आपको बताएंगे कि हमारी गाड़ी, अभी हमने गाड़ी मतलब के लोड की है बिलवाल से, बिलवाल के साथ तकरीबन कोई 25 किलोमीटर की दूरी पर। तो अभी हम जा रहे हैं जलालपुर जट्टा। तो इस फेरे का हमने आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि गाड़ी मतलब के इस फेरे में कितना कमाएगी। हम इस पर जितने खर्चे होंगे वो सारे आपके सामने उसकी वीडियो बनाएंगे। तो हमारा किराया जितना है वो आपको बताते हैं। हमारा किराया कितना है भाईजान? 20,000 भैया, 20,000 हमारा किराया। इसमें जितना डीजल आएगा, टैंकी हमारी फुल होती है, मतलब कि फेरा लगा के गाड़ी आती है, टैंकी इसके हम फुल करवा देते हैं। तो आज जो मतलब कि इसका खर्चा आएगा, मतलब कि कोई पर्ची रास्ते में आती है, टोल की पर्ची, टोल टैक्स कोई आता है या फिर कोई खाना वगैरह खाते हैं, ड्राइवर का जो खर्चा है, वो सब खर्चे हम निकाल कर इसकी ना आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। क्योंकि बहुत से जो हमारे दोस्त अहबाब हैं जो मतलब कि ओवरसीज अदर्स कंट्री में प्रदेश में गए हुए हैं, मतलब कि वो इतनी ज़िंदगी उन्होंने अपनी बाइक गुजार दी, उन्हें समझ नहीं आती कि हमें पाकिस्तान में क्या कारोबार करना चाहिए। तो वो फिर लोगों से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो अभी हम इस फेरे की आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि इस फेरे में हमारी गाड़ी कितना बचाएगी, वो देंगे। उसके बाद ओवरऑल भी इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे। ये हमारे भाई हैं, तो ये मेरे इस गाड़ी में पार्टनर हैं, ये हमारी पार्टनरशिप पे गाड़ी है और ड्राइवर भी यही है, ये गाड़ी चलाते हैं। मतलब कि जो इनकी सैलरी है वो अलग से ये वसूल करते हैं हमारी बचत में से, क्योंकि ये इनका हक है। तो 18 तारीख तक हमारा मंथ मतलब पूरा होता है, वो भी मैं इनसे हिसाब लूँगा, उसकी भी आपको डिटेल दूँगा कि हमारी गाड़ी ने इस मंथ में कितनी मतलब बचत दी है, खर्चे वगैरह निकाल के, मोबाइल बाकी जो इसके अखराजात हैं। तो क्योंकि बाकी जो बाहर से मतलब दोस्त बाप परदेश में है, वो इस चीज़ की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो बाकी हमारे साथ रहिएगा, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसकी हम मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। बाकी रास्ते में जो जो अखराजात आएँगे वो आपको ज़रूर इस वीडियो में दिखाएँगे। बाकी साथ रास्ते में अभी हम तकरीबन पहुंच गए हैं चखियाँ, सालम से आगे चखियाँ वहाँ पे पहुंच गए हैं, वो भी साथ साथ व्यूज जहाँ पे हैं वो दिखाते रहेंगे आपको। ये देखें ये हमारी गाड़ी, माशाल्लाह गाड़ी भी बहुत प्यारी है, ये हमारे भाई भी बहुत प्यारे हैं। तो बाकी अल्लाह पाक खैर करे, मेहनती भी बहुत है, बाकी डिपेंड करता है फिर ड्राइवर पे भी, क्योंकि कोई ड्राइवर होते हैं मालिकों को कुछ देते कोई नहीं, जिस वजह से मालिक जो है परेशान हो जाते हैं। अच्छा जी, अभी हम गोजरे होटल पे पहुंचे हैं, रेस्टोरेंट पे, यहाँ से अभी खाना खाएंगे। तो मार दूँगा जी, मारे भाई, इधर से भी खाना खाएंगे। तो क्योंकि वीडियो तो आपको सारी दिखानी है, क्या हमारा खर्चा आएगा, क्या हमने खाया है, कितना खर्चा आता है, सारी डिटेल आपको देनी है। कीमा मटर यार की है, लेकिन तो डर यार। अच्छा भाईजान, अभी हमने खाना खाया है, तो यहाँ पे हमारा बिल बना है जी 500 रुपया। माशाल्लाह इस होटल पे टेस्ट भी बहुत अच्छा था। अगर आप कोई भाई जो इधर इस रास्ते पे आए, मतलब के गुजरात रोड वाले, मंडी बावदीन रोड वाले, सदात होटल है गोजरे, तो माशाल्लाह इनका टेस्ट भी अच्छा, इधर से ज़रूर खाना खाएं और रेट भी जायज़ है जी। तो बाकी हमारे साथ रहिएगा, बाकी डिटेल भी आपको देते हैं। ये जी अभी हम पहुंच गए हैं कुठियाला शेखा, ये एक नया टोन बन रहा है जी। तो वहाँ से अभी हम गुजर रहे हैं, तो मतलब मुझे अच्छा लग रहा था कि रोड पे लाइटिंग हुई थी, मैंने कहा क्यों ना आपको भी, आपके साथ भी ये शेयर की जाए। तो आपके सामने है जी, माशाल्लाह जी अच्छी लाइटिंग हुई है जी, ये कोई नया टोन बन रहा है। ये पहुंच गए हैं, तो साढ़े उस्ताद उन्होंने नींद आ गई है, सो गए ने, कहते नहीं गड्डी तुसी चलाओ। हाँ जी भाई जान, अब तो मुझे भी नींद आ गई है, तो अब
बस मैं आपको बताऊंगा कितनी हमें क्यों लेट हो गई है, कभी बताऊंगा, आज मैं नहीं बता सकता। तो अभी हम गुजरात के तकरीबन बिल्कुल पास ही पहुंचने वाले हैं, तो मुगोवाल क्रॉस कर रहे हैं। नहीं, मुगोवाल बहुत पीछे छोड़ आए हैं। नहीं भाई, मुगोवाल बहुत पीछे छोड़ा हूँ, आप सो रहे थे, आपको नहीं पता, आपको नींद आ गई थी, आप सुनूंगा। तो फिर आगे हमने जाना है जलालपुर जट्टा, दो स्टॉप पे माल उतारना है हमने, तो फिर उधर इंशाल्लाह माल उतार के हम अल्लाह खैर करिए से वापस पहुंचेंगे। जी फ्रूट मंडी गुजरात पहुंच गए हैं जी। ये जी हम मंडी में पहुंच गए हैं, माल उतरने लगे हैं। अकरम के लिए जा हम एक हजार और दे देना। का दे? 10,000 दे दो। 19 अभी ये किराया मैंने वसूल किया जी 19,000 रुपया, ये आप देख सकते हैं। लो जी अभी हम बलवाल पहुंच गए हैं अपने शहर, यहाँ से डीजल डलवाते हैं, पता चलता है कितना डीजल आता है, क्योंकि गाड़ी मैं चला के भाई जान हमारा तेल हमारी गाड़ी में आया जी 9,250 रुपये का, 19,000 हमारा किराया लगा हुआ था, जिसमें से हमारा ड्राइवर खर्चा रोटी खर्चा कितना हो गया भाई जान? बस कुछ माशाल्लाह बच गई है, कुछ बच गया, मतलब कि तकरीबन 1500 हमारा ये खर्चा वगैरह हो गया, उसके अलावा मतलब कि डीजल कार ने बाकी उसकी बचत आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी ये इतनी हमने मेहनत की, अभी सुबह 6 का टाइम हो गया, अभी हम वापस आए हैं अपनी गली के पास, मैं खड़ा हूँ अभी गाड़ी से उतरूँगा, तो सिर्फ इतनी मेहनत की है, साथ में आफाज भाई के साथ गया हूँ, अब अदरवाइज़ नींद ख़राब करने को किसका दिल करता है, सिर्फ ये आप दोस्तों के साथ ये चीज़ें शेयर करने के लिए वीडियो बनाई है, मैं साथ गया हूँ। तो बाकी ये हमारी मेहनत का सिला हमें भी मिलना चाहिए, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।